मठाधीश और माफिया के बाद अखिलेश यादव ने साधु संतों के लिए एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी पर निशाना साधने के चक्कर में साधु संतों से पंगा ले लिया है और इस बार अखिलेश यादव ने ना सिर्फ संतों की भाषा पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि उन्होंने संतों के लिए धूर्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला रहे हैं। मठाधीश और माफिया वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने संतों को लेकर एक ट्वीट किया है। अब इस बयान को लेकर तीखा विरोध भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अखिलेश यादव ने संत सनातन को आहत करने का ठेका ले रखा है। अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को, सनातन को, साधु सन्यासियों को, रामायण को, भगवान राम को आहत करने का ठीका ले रखे हैं। अखिलेश जी कहते हैं साधु सन्यासी चिलमजीवी होते हैं, मठ और माफिया एक होता है। काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं और सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के कहते हैं, अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं। क्या अखिलेश यादव जी दूसरे धर्म पे कभी टिप्पणी किए हैं? नहीं करेंगे। किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके शब्दों से होती है। शब्दों से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है और जिस तरीके के शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दूसरों को अपशब्द कहने वाली समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब हर कोई पहचानता है। संगठित अपराध को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव आज अपशब्दों से घबरा रहे हैं, अपशब्दों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात यह है कि जितने अपशब्द और हल्ला बोल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, राजनीति में उतना दूषित वातावरण किसी और राजनीतिक दल ने ये नहीं बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा उद्देश्य रहता था कि जब चुनाव होते तो बूथ कैप्चरिंग, अब माफिया जमीन के नीचे चले गए तो बूथ कैप्चरिंग वाला कोई बचा नहीं है, इसलिए उसका विरोध। इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के सामने नाक रगड़ती थी और आज ये संतों को माफिया कहते हैं। चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि साल 2017 से पहले यहां उत्तर प्रदेश में विकास का बैरियर था, यहां महापुरुषों का अपमान किया जाता था। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट से सियासी पारा हाई कर रखा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुनकर पूरा देश हैरान है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रसादम के लड्डू में चर्बी मिलावट को लेकर श्रद्धालु आक्रोशित हैं, तो वहीं पूरे विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। केंद्र सरकार के अलावा देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। कांग्रेस पार्टी इज टेकन अपॉन इटसेल्फ वेरी सीरियसली, वी आर डिमांडिंग अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस इश्यू बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल इश्यू, इट डज नॉट पर्टेन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल बट टू क्रोर्स ऑफ पीपल। उधर साधु संतों ने भी प्रसाद में मिलावट को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करा दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी घटनाएं हुई है, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है। प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उसका ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। इसी बीच तिरुपति मंदिर के पूर्व पुजारी ने भी 5 साल से मिलावटी घी का इस्तेमाल करने की बात कही, जबकि मंदिर प्रशासन ने भी माना कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। Most important ingredient used in the preparation of prasadams. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies and they are preparing foods, food material to the god with the pure ghee now. Any deviation in the quality will cause this called doing apavitram. Doing something which is not sacred. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर सबसे पहले आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए थे, जिस पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी का इस्तेमाल प्रसादम के लिए किया गया उसमें मछली के तेल और चर्बी मिलाई गई थी। तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी ने घी की सप्लाई की थी। खुलासे के बाद पूर्व की जगन सरकार सवालों के घेरे में है। The worst part is, why did Chandrababu Naidu resort to such practices? He knows very well that during the course of these 100 days, Chandrababu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign. Bureau report. News converted. पहले वो ब्राह्मण था sir. और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां पर मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। 30 दिन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल के मंडी में स्थित मस्जिद का जो निर्माण है उसके एक बड़े हिस्से को अवैध करार दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, और इसी के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। नगर निगम के जरिए बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। एक समय के अंदर, एक म्याद के भीतर जो अवैध निर्माण है उसे हटाना होगा, गिराना भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बुलडोजर एक्शन लेगा। और गणेश उत्सव के साथ शुरू हुआ पत्थरबाजी का सिलसिला ऐसा है कि जो रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी आग में अब अलग अलग राज्य सुलग रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी चेतावनी और धमकी तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए।
आधार पर माहौल खराब करने की साजिश की तस्वीरें पूरे देश से आ रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की है, जहां गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। कुछ घरों में आगजनी की गई, एलपीजी सिलेंडर जलाने की भी कोशिश हुई और कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। आरोप है कि गुरुवार को ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले और जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब तस्वीरें देखकर हालात का अनुमान लगा सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 21 पुलिस वाले घायल हो गए। तस्वीरें ऐसी ही कर्नाटक से भी हैं, जहां गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। कर्नाटक के दावणगेरे शहर में धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक गणपति विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रहा था, तभी दो तीन पत्थर जुलूस में फेंके गए, जिसके बाद दावणगेरे के अनेक कोंडा इलाके से कुछ घरों और वाहनों पर पथराव किया गया। अलग अलग शहरों में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकत दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकत दाखवायला मैदानामध्ये येतो। बीजेपी नेता की चेतावनी पर AIMIM ने भी धमकी दी। वारिस पठान शब्दों की मर्यादा तक भूल बैठे। देखिए, भोंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। देश का माहौल खराब करने की कोशिश के बीच कांग्रेस ने पूरे मामले को महाराष्ट्र चुनाव से भी जोड़ दिया। हनुमान जयंती जब हम मनाते हैं तब कोई दिक्कत, रामनवमी बनाते हैं तब दिक्कत, मुहर्रम होती है तब दिक्कत। ये कैसा निजाम आ गया है साहब, 10 साल से ये हो रहा है लगातार। क्यों कर्नाटक में भी सर हुआ है? माहौल तो इन्होंने बनाया ना, और कर्नाटक में होता है तो कहते हैं साहब तालिबानी शासन है, और आपके महाराष्ट्र में हो रहा है तो क्या है, कौन सा शासन है, बताइए जरा। पिछले 2 दिनों में ही देश के अलग अलग जिलों में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव की कई घटनाएं हुई। गनीमत रही कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए ये एक बेहतरीन सियासी मौका है, और वो लगातार ऐसी घटनाओं पर निगाह जमाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और MP में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। भोपाल से लेकर इंदौर तक कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोला। इंदौर में जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह प्रदर्शन में पहुंचे। सोयाबीन की MSP 6,000 रुपए करने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने यात्रा निकाली। MP में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा भोपाल टू इंदौर, कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। सड़क पर उतरे कांग्रेस के दिग्गज नेता। किसान के बहाने सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। किसानों के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राजधानी भोपाल से इंदौर तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला। इंदौर में जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए तो दिग्विजय सिंह उनके पास बैठे दिखाई दिए। छिंदवाड़ा में पूर्व CM कमलनाथ ने किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैतूल में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान न्याय यात्रा निकाली। रैली में 20 से 25 ट्रैक्टरों पर सवार होकर कांग्रेस नेता निकले। ग्वालियर में पूर्व मंत्री सचिन यादव के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने BJP पर किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
किसान की जो परेशानी है उसको सरकार समझ नहीं रही है। लगातार उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को ये सरकार नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। लगातार सरकार ने अनेकों वादे हमारे किसान साथियों को किए, लेकिन एक भी वादा जो है सरकार ने पूरा नहीं किया है। सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम किया जाएगा, आज दिनांक तक किसानों की आय दुगनी होना दूर की बात है। किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य तक नहीं निकल पा रही है। किसान न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने सरकार से सोयाबीन की MSP 6000 रुपए करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, खरगोन समेत पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। उधर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर BJP ने निशाना साधा। BD शर्मा ने कहा कि जो किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों के साथ वादा खिलाफी की कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं। कमलनाथ के नेतृत्व में बनी हुई सरकार झूठ बोल करके बनी थी। किसान कर्जा माफी वादा खिलाफी किसने की? 1.5 साल तक आपकी सरकार रही, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। किसानों के सहारे कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। उधर BJP ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अहमद को लेटर क्यों लिखे रीना, ये हम नहीं कह रहे बल्कि NCERT के सिलेबस पर एक शख्स ने सवाल उठाए हैं। चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है, क्या ये चिट्ठी फसाद लाई है? आखिर किस बात को लेकर जताया गया है एतराज? रिपोर्ट देखिए। सिलेबस पर सवाल, चिट्ठी आई पर बवाल। रीना अहमद को पत्र नहीं लिख सकती, पेरेंट्स का एतराज, किताब में लेटर पर वार। ये कैसा लव जिहाद? चिट्ठी आई है, फसाद लाई है। इस लेटर को पढ़िए जरा, जिस पर लिखा है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों पर तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। एक दोस्त दूसरे दोस्त की खैरियत जान रहा है। बस इसी बात पर छतरपुर के डॉक्टर राघव पाठक का दिमाग ठनठना गया कि आखिर रीना अहमद को खत कैसे लिख सकती है। NCERT की क्लास 3 के सिलेबस पर डॉक्टर राघव पाठक को एतराज है कि रीना राम को खत लिख सकती है लेकिन अहमद को नहीं। सुनिए जरा। NCERT की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है, इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। पूरा माजरा यूं समझिए, क्लास 3 के सिलेबस में पर्यावरण सब्जेक्ट का चैप्टर 17 जिसका टाइटल है चिट्ठी आई है, जिसमें चिट्ठी की कहानी बताई गई है, कैसे वो डाकघर से निकलती है और कैसे लोगों तक पहुंचती है। लेकिन कहानी तो साइड हो गई, इस लेटर पर ही पेरेंट्स राघव पाठक ने एतराज जताया, आपत्ति ली। उनकी शिकायत है कि ये लव जिहाद वाली साजिश है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है, तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया। जब ये शिकायत लेकर राघव पाठक पहुंचे तो अधिकारी भी हैरान रह गए। अब शिकायत वरिष्ठ कार्यालय भेजी जा रही है। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है, उनका कहना यह है कि क्लास 3 की NCERT में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है, उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। तो क्या ये चिट्ठी आई है, कोई नया फसाद लाई है? छतरपुर में नरेंद्र परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं मंत्री जी का आलू एक खोज। आप भी शायद इस तलाश को देखकर हैरान रह जाएंगे। मंत्री जी नहीं, कई लोग मंत्री जी के लिए आलू की तलाश कर रहे हैं, आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी, आलू मिला क्या? मंत्री जी का आलू एक खोज।
लोग हैरान, कहां गया आलू? सभी लोगों को देख लीजिए कैसे इस बाल्टी में नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन किसी को वो नजर नहीं आ रहा जिसकी तलाश खुद मंत्री जी कर रहे हैं। देखिए मंत्री जी ने पानी वाली सब्जी, माफ कीजिएगा, आलू की रसीली सब्जी में चम्मच घुमाया, लेकिन आलू तो नजर ही नहीं आया, सिर्फ नजर आया तो पानी। मंत्री जी ने सब्जी की बाल्टी उठाई, करछी से आलू तलाशा भी, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ लोग शायद अपनी पारखी नजर से तलाश कर रहे हैं कि हमें दिखा तो हम मंत्री जी को जरूर बताएंगे, लेकिन मंत्री जी के सामने किसी के नंबर बढ़े नहीं। अब मंत्री जी ने सब्जी वाली बाल्टी, या यूं कहें सब्जी कम पानी वाली बाल्टी को अलग रख दिया। इसके बाद इस शख्स को इस सब्जी में कुछ नजर आया, आलू नहीं था, सब्जी में कुछ गिर गया था। सब वैसे ही सहमे हुए थे तो एक चम्मच भर सब्जी की तरी को ऐसे फेंक दिया कि मंत्री जी की नजर इस पर ना पड़ जाए, जो पड़ी तो डांट खानी पड़ेगी। अब इस वीडियो में ये तस्वीर देखिए, मंत्री जी के पास बैठा ये शख्स शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले आपको बता दें कहां की तस्वीर है ये, किस स्कूल का ऐसा हाल है जिस स्कूल में मंत्री जी के सामने ही पोल खुल रही है, किस क्वालिटी का खाना बच्चों को दिया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के डीआरपी लाइन बहोड़ापुर के पीएम श्री स्कूल पहुंचे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बच्चों के साथ लंच करने बैठे, बच्चे भी बैठे थे, लेकिन खाने की क्वालिटी देखकर हैरान रह गए। अब खाना कितना लजीज होगा इससे ही समझ लीजिए कि मंत्री जी ने कहा सिर्फ आधी रोटी दीजिए। उसके बाद नाराजगी तो बनती थी, ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जाहिर भी की, सीधे कहा सीईओ जिला पंचायत को फोन लगाइए। उसके बाद जब बात की गई तो ऐसे नाराजगी सामने आई। सोचिए मंत्री जी को ऐसा खाना परोसा गया तो बच्चों को रोज का खाना कैसे मिलता होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं पलीता। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।